आज हम बनाएंगे इंस्टेंट भटूरे। नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस नए और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है पंकज और छोले भटूरे पंजाब की एक बेहद पसंद की जाने वाली रेसिपी है। यही कारण है कि हर होटल, हर ढाबा, हर रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि हर ठेले पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज बनाना इंस्टेंट भटूरे। लेकिन इसके लिए पहले देखेंगे हम आवश्यक सामग्री। इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा लगभग 250 ग्राम, कप से नाप है तो 1 कप। सूजी चाहिए 50 ग्राम, कप से नाप है तो 1/4 कप। पानी चाहिए आधा कप। नमक चाहिए स्वाद अनुसार। बेकिंग पाउडर चाहिए आधी छोटी चम्मच और घी चाहिए 2 छोटी चम्मच और स्पून चाहिए इस साइज में मापने के लिए। सबसे पहले मैदा से हम डो लगाएंगे। इसके लिए एक बाउल ले लेते हैं, इसमें मैदा डाल देंगे, सूजी भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे लगभग आधी छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच। चारों सामग्री डालने के बाद मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और नरम आटा लगाकर तैयार करेंगे हम। आवश्यकता अनुसार और पानी डाल देते हैं। थोड़ा और डाल देते हैं। अब घी डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। 2 छोटी चम्मच घी है। अच्छी तरह से मिला लेंगे और हाथ से गूंथ लेंगे अच्छी तरह से। आटा हम यहाँ नरम ही लगाएंगे। इंस्टेंट भटूरे के लिए आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। इसे ढककर रख देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए और इतना पानी हमें ज़रूरत पड़ी, लगभग आधा कप लिया था, थोड़ा सा पानी बचा है। आप चाहें तो कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं। प्लेट भी रख देते हैं और कपड़े से भी ढककर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमने आटा देख लेते हैं सेट हो गया कि नहीं। आटा हमारा सेट है। थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लोई तोड़ लेंगे इसके लिए। इसको 2 टुकड़ों में कर लिया मैंने और छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। एक लोई लेंगे, एक छोटी लोई लेंगे इसके अंदर और इस तरह से बंद करेंगे। मैं इस तरह से बनाता हूँ, आप जैसे भी बना सकते हैं लोई वैसे बना लीजिए। हाथ से दबाते हुए एकदम गोल और एकदम चिकनी लोई बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने गोल और एकदम चिकनी लोई बनाई है, कहीं से भी क्रैक नहीं है। ऐसी ही लोई बना लेंगे सारी। लोई आप अपने अनुसार छोटी बड़ी बना सकते हैं। सारी लोइयां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं, इन्हें किसी प्लेट में रख लेते हैं। कपड़े से ढककर रख देंगे। अब एक लोई लेंगे और इन्हें दबाते हुए बेलेंगे। इसके लिए हल्का सा तेल लगाते हैं इसके ऊपर, या आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। हाथ से दबाएंगे और दबाते हुए बेलेंगे इसे। एकदम गोल बेलेंगे, आप चाहें लंबे भी बेल सकते हैं अपने अनुसार। भटूरे एकदम एक जैसे बेलेंगे, कहीं से मोटा पतला नहीं बेलेंगे।
ऐसे ही सारे भटूरे बेल लेंगे, अपने प्लेट में रख लेंगे। एक बार में 2 या 3 भटूरे बेल लेते हैं। देख सकते हैं किनारे से बेलेंगे जिससे कि कहीं से मोटा या पतला ना रहे। चाहे तो ऐसे हाथ से भी दबा के इसे गोल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे हाथ से थपथपा कर भी बेल सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं भटूरे को। हमने भटूरे 2 बेल लिए हैं। तो हमारा तेल हमने गरम करने रख दिया था कढ़ाई में, चेक कर लेते हैं गरम है कि नहीं। हमने एक छोटी सी लोई डाली है मैदा की, वो ऊपर आ गई है यानी कि तेल गरम हो गया है अच्छी तरह से। तो हम इसमें भटूरे डाल देंगे अपना, ऐसे भी डाल सकते हैं दोनों हाथ से, ऐसे भी डाल सकते हैं। बस दबाते हुए दोनों तरफ से पलट पलट कर तलेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। भटूरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ी देर रखेंगे जिससे कि जो अतिरिक्त तेल है वो कढ़ाई में निकल जाएगा। थोड़ा सा तिरछा भी कर देंगे। भटूरा तल लिया है हमने, एक और भटूरा तल के देख लेते हैं। दबाएंगे पलट पलट कर, गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। तेल डालते रहेंगे इस तरह से ऊपर। ये भटूरा हमने तल लिया है, ऐसे ही सारे भटूरे हम तल कर तैयार कर लेंगे। भटूरे हमारे बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं फूले फूले बने हैं एकदम। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी और ढेर सारी रेसिपी वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।